अनाज की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को टेम्पो के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करने में पांच पावली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस दौरान आरोपी से कुल 6,38,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक गुप्त सूत्रधार द्वारा पांच पावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वैशाली नगर में एक टेम्पो के जरिए अनाज की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उक्त घटनास्थल पहुंची, जिस दौरान उन्हें टाटा एस चार पहिया गाड़ी क्रमांक MH04EY5285 में अवैध तरीके से राशन के चावल की कालाबाजारी करते हुए आरोपी चालक शमशेर खान रशीद खान पठान दिखाई दिए, जिससे चावल के बारे में पूछताछ करने पर उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे कुल 6,38,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। एक वैशाली नगर एरिया में आमचे पुलिस हवालदार आणि त्यांचे पथक पेट्रोलिंग करत असताना एक गाड़ी मिळून आली। त्या गाडीमध्ये तांदळाचे 40 बोरे किमती 38,000 रुपये असा मुद्देमाल मिळून आला। त्यामध्ये शमशेर खान चालक याला त्या अन्नधान्याबद्दल त्याच्या कागदपत्र आणि परवान्याबद्दल विचारलं असतं, ते कुठल्याही प्रकारचे त्याने कागदपत्र न सादर केल्याने सदर मुद्देमाल हा आणि गाडी जप्तीपत्रकाप्रमाणे जप्त करण्यात आले आहे। आणि त्यामध्ये तांदळाच्या याच्या तपासणीकरिता पुरवठा अधिकारी यांना पत्र लिहून पाठवण्यात आलेलं आहे। पुरवठा अधिकारी यांच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई त्याच्यामध्ये करण्यात येईल। त्याच्यामध्ये एकूण 38,000 रुपयाचे किमतीचे तांदूळ आणि गाडी 6,00,000 असे 6,38,000 रुपयाच्या मुद्देमाल जप्त करण्यात आले। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेड़े, पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे, पुलिस उप निरीक्षक अविनाश जायभाए और पुलिस हवलदार नंदकिशोर वालदे समेत अन्य लोगों ने की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर।